ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से आप लोगों के लिए एक ऐसी जड़ी बूटी लेके आया हूँ जो कि कफ रोगों में महाशक्तिशाली है, यानी कि जो कफ रोग होते हैं उनको बड़ी तेजी से दूर करती है, या उसकी रामबाण औषधि आप कह सकते हैं। तो मैं आपको इसकी पहचान कराऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा, और ये इसका समय यही है, फल काल यही है, इसके फल इस समय तोड़े जाते हैं। इसके पत्ते, जड़, तना, फल, फल के अंदर बीज होता है, इन सब का ही पूरा पंचांग यूज होता है, उपयोग किया जाता है। और इसमें फल किया जाता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए अगर क्या इसको देखिए, हम लोग पीपली के नाम से जानते हैं। अभी हम जड़ी बूटियां इस समय क्योंकि परिपक्व हो जाती हैं, ये महीना चल रहा है नवंबर का और दिसंबर में ठंड पड़ेगी, तो ये सब पक के फिर ये झड़ जाते हैं। तो ये फल देखेंगे आप काले काले, ये छोटी पीपली है जिसको बन पीपली बोलते हैं, और सबसे पावरफुल यही होती है, बड़ी पीपली लोग बोल देते हैं, तो हमारे क्षेत्र में बड़ी नहीं होती है, और इसी का हम उपयोग करते हैं, और इससे ही खांसी, दमा और जो भी मतलब श्वास रोग है उसमें काम करता है। इसके पत्ते का भी पीस के हम काढ़ा बना सकते हैं, चाय की तरह उबाल करके ले सकते हैं, और कुछ क्षेत्रों में इसके पत्ते की भाजी बना के भी खाई जाती है। तीखी होती है बहुत, लेकिन फिर भी लोग बना के खाते हैं, क्योंकि देखिए जिनको पता है कि जड़ी बूटी खाएंगे हम निरोग रहेंगे तो वो तो खाएंगे ही। तो आप देखिए कैसा हो रहा है, ये एकदम परिपक्व हो चुका है, हम इसको तोड़ के दिखाएंगे अंदर से। ये देखिए इसके अंदर बीज होते हैं, बीज उगता है नहीं उगता हमें पता नहीं है, लेकिन ये तने से जड़ इसकी लगाई जाती है, और इसको हमने पूरे इंडिया में 2-3 लोगों को भेजा भी है, और आज भी हम 400 पौधे किसी को भेजने के लिए आए थे, तो हमने कहा इसको तोड़ भी लेते हैं, और कैसे कन लगता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए, और हम लोग तो इसको खाते हुए काम कर रहे हैं तो बड़ा आनंद हो रहा है। ये देखिए इसके पौधे हैं, मैंने इसके फल दिखाई, ये पौधे हैं, ये इस तरीके से लगेंगे, और इसमें से हर गांठ पे ये जड़ पकड़ लेता है, हर टहनी पे जैसे इसको हमने लगाया तो यहाँ इसको दबा देंगे जमीन में, और ये जमीन में जितने तने की गांठें आएंगी तो ये जैसे काली मिर्च होता है, मैंने खा लिया, बहुत तीखा लग रहा है, तो इस तरीके से होता है। और देखिए इसके हर गांठ पे जब ये बड़ा हो जाता है, देखिए एक पूरा पौधा है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे ये फल लगा हुआ है, इसी तरीके से लगता है। तो इसको शहद के साथ पीस करके, शहद लेकर के चम्मच, उसमें एक चुटकी है चून डाल करके, और उसे चाटा जाता है धीरे धीरे धीरे, काफ़ी देर तक चाटने से क्या है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, किसी भी प्रकार की खांसी होती ठीक करता है, और जब फेफड़े रोग जितने भी होंगे उसे भी काम आएगा, दमा वगैरह में काम आएगा। और इसको मार्केट में जो मिलता है एक औषधि, तिरकुटा या तिरकुटी बोलते हैं, तो तिरकुटे में क्या होता है, पीपली होती है, काली मिर्च और सॉल्ट पाउडर, तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में मिला करके बनाया जाता है, लेकिन हम लोग सिर्फ पीपली का भी यूज कर सकते हैं खांसी में, तो इसका उपयोग करिएगा। और ये पीपला मूल आपने देखा होगा, जितने भी हमारे आयुर्वेद भाई बहन हैं उन लोगों को पता है कि पीपला मूल की डिमांड बहुत मार्केट में रहती है, तो इसको अपने घर के आसपास हम लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं। इसको थोड़ी पानी की जरूरत होती है, मतलब जैसे पान की जैसे खेती होती है वैसे इसकी खेती भी होती है, और साउथ में बहुत लोग खेती करते हैं इसमें, और इसकी भी 3-4 किस्में हैं। एक ये छोटी किस्म है जो कि बचपन से हम इसे खाते हुए हैं, और हमने हमेशा रिजल्ट मिला ही मिला है, तो जितना मुझे पता था मैंने आप लोग को बताया, आप लोग भी इसका यूज करिएगा और इसका पीपली का उपयोग करिएगा। और इस ठंड के सीजन में देखिए नेचर ने हमें अपने आप ठंड से बचने के सारे उपाय दे रखे हैं। अब ठंड चालू हो गई, नवंबर का महीना है, आज 11 नवंबर है, तो इससे पहले ही अक्टूबर के लास्ट वीक में से पकना चालू हो जाता है, यानी फल परिपक्व हो जाते हैं उपयोग के लिए, और ये दिसंबर तक इसके फल मिलेंगे, उसके बाद एक एक करके फल पक पक के नीचे गिरते चले जाएंगे, और ये पौधे विलुप्त हो जाते हैं, फिर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं ठंड में, फिर जैसे ही बरसात होता है तो फिर निकल जाते हैं इनके कंद, ये जो तने हैं क्योंकि तनों से ही जड़ निकलता है, तो ये कहीं पर भी हम लगाएंगे तो हो जाता है। तो आप लोग भी देखिएगा आपके क्षेत्र में तो इसका उपयोग जरूर करिएगा, और अपने गमले में भी लगा सकते हैं, कभी भी इसके पत्तों की सब्जी बना खा सकते हैं, या काढ़ा ले सकते हैं, या कल्क बना के ले सकते हैं, लाभ अवश्य करेगा। तो जितना देखिए हमें ज्ञात होता है हम आप लोगों को बताते हैं, उसी कड़ी में आज हमने आपको पीपली के बारे में बताया, तो इसका उपयोग करिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिएगा। जय आयुर्वेद, जय भारत, जय प्रकृति माता की।